घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आपको टाइटल से या थंबनेल से थोड़ा अजीब सा लगा होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, ऐसा कुछ अजीबोगरीब, क्योंकि मैंने ये कहा है कि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसुरा रियाज कैसे करते हैं। अब सुर का रियाज तो सभी ने बताया और आपने शायद ये शब्द बेसुरा रियाज कहीं ना कहीं सुना होगा कि वो भी करना चाहिए और उससे गले में स्वर पक्के होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कैसे किए जाते हैं, है ना। जैसे स्वर का रियाज ऐसा नहीं कि एक ही कोई टेक्निक है जिसको ही करना होता है, अलग अलग सबके अपने अपने तरीके हैं करने के, वैसे ही बेसुरा रियाज भी अलग अलग तरीका है करने का। तो ऐसे ही एक दिन क्लास में बैठे बैठे कुछ एक चीज़ निकली है, जाहिर सी बात है वो किसी और के भी मन में आई होगी, ऐसा नहीं है कि वो मेरा ओरिजिनल क्रिएशन है, पर करते करते आई तो मेरा ख्याल आया कि मैं आप सब तक शेयर करूँ वो। लेकिन उसको बताने से पहले मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इसको बिल्कुल भी अदरवाइज ना लें, बिल्कुल भी ऐसा ना लें कि ये मैं कैसी अजीबोगरीब चीज़ें बता रहा हूँ या मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ लोगों को, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, है ना। तो मैं ये बता दूं कि बेसुरा रियाज करने से पहले सुर का रियाज होना ज़रूरी है, सुरीला होना ज़रूरी है, पहले सुर की समझ होना ज़रूरी है, तभी आप बेसुरे को समझ कर गा रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो बेसुरा है, अनजाने में नहीं, अननोइंगली आपको नहीं गलत सुर लगाना है, नोइंगली जानबूझ कर, ताकि सुर में और बेसुरे में फ़र्क पता चले आपको कि ये दो सुर हैं, ये सुरीला है, ये बेसुरा है। तो करना क्या है, हमें उल्टे सप्तक का रियाज करना है। अब क्या होता है, कई बार मैंने आपको ये चीज़ बताई तो आप अभी गाना शुरू कर दोगे, अभी करना शुरू कर दोगे तो वो होगी नहीं, जब तक आपने ठीक वाला रियाज नहीं किया, उसका सही वाला सीधा सप्तक अगर आपको स्वरों में लगाना नहीं आता है तो उल्टा सप्तक कैसे लगा पाओगे। जैसे कि पहली काली से मैं अभी आपको गा के बताता हूँ सीधा सप्तक, सारे गामा पाधानी सा सानी रे सा, अगर इसमें आपने अलंकार गाए हुए हैं तो इसी को सप्तक उल्टा कर देना, यानी गले से स्वर वही लगाने हैं, मुंह से शब्द उल्टे बोलने हैं, यानी सानी धपा मगर ऐसा पहले बोलना है और सारे गामा पधनी सा बाद में बोलना है, लेकिन स्वर सारे गामा पधनी सा के जाने चाहिए और मुंह से शब्द सानी धपा मगर ऐसा के आने चाहिए। तो कैसे मुमकिन है वो, सारे गामा पधनी सा सानी धापा मागरे सा, है ना, आपने सिर्फ शब्द बदले हैं, सारे गामा पधनी सा, लेकिन गले से क्या निकला, सानी धापा मागरे सा, लेकिन इसके लिए पहले आपको सारे गामा पधनी सा ये करना जरूरी है, तभी गले से सानी धापा मागरे सा सारे गामा पधनी सा सा सानी नी धा धापा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 सानी नी, है ना। अब आई जाता है ना, मुंह से नी निकल ही जाता है क्योंकि आपको पता है कि वो सीक्वेंस में क्या है, लेकिन वो दिमाग में रखनी है, वो क्षमता होनी चाहिए आप में कि आप वो डिफरेंस कर पाएं और उसका अच्छा रियाज कर पाएं। तो इस बेसुरे रियाज को आपको करना है, पूरा पेज आपको गा के देखना है, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, तो सा की जगह तो सा ही है लेकिन रे की जगह नी बोलना है, ग की जगह ध बोलना है, म की जगह प बोलना है, प की जगह म बोलना है, ध की जगह ग बोलना है, नी की जगह रे और सा की जगह तो सा ही है, ना, बस इतना सा करना है। सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा सा रे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा सा रे गा मा प मा प धनी प धनी सा, पूरा सप्तक उल्टा कर दिया और पूरा पेज हम गाने लगे हैं उसमें, है ना। तो ये चीज़ तब मुमकिन है जब एक बार सा रे गा मा प ये करके आपने सही स्वर लगाए हुए हैं, तभी आप
गलत स्वर जानबूझकर लगा पाएंगे और वो मुमकिन होगा आपके लिए गाना। तो ये छोटी सी चीज़ है, अब इसे हर थाट में आप कर सकते हैं। सा रे ग म प द नि सा, भैरवी थाट में सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा, है ना। इसको बेसुरा रियाज कहते हैं। वैसे ये देखा जाए तो बेसुरा रियाज भी नहीं है, है तो सुरी ना, आप बेसुरा नहीं कर रहे हैं। बाकी जो बेसुरा रियाज इस भी हद तक होता है कि आपका सप्तक जो है उसकी जो श्रुतियां हैं जैसी हैं वो ये सप्तक है और आप जस्ट उसके ऊपर ऊपर गा रहे हैं। ना वो पहली काली है, ना वो डेढ़ है, यानी ना वो सी शार्प है, ना वो डी है, उसके बीच में आप गा रहे हैं, है ना। जैसे कि ये सी शार्प है और ये डी है, सा सा। अब इन दोनों के बीच आपको श्रुति सा, तो यही हो गया, हल्का सा उतरा ये, है ना। अगर आप ध्यान से सुन पाए कि ये डी नहीं लगाया मैंने, उससे हल्का सा उतरा। तो ये कुछ श्रुतियां उतार के लोग रियाज करते हैं इसका, है ना। तो इसके लिए ये रियाज तब मुमकिन होगा जब आप मूर्छना का रियाज करेंगे, जैसा कि जो साइड में थंबनेल आ ही रहा होगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूर्छना का रियाज अगर आपने किया है तो आपकी गायकी और मजबूत हो सकती है, लेकिन वो सारी चीज़ें तब हैं करने की जब सुरीला नॉर्मल रियाज हो सके आपका, है ना। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। जैसे कि क्या है मूर्छना का रियाज, स्वर वही लगते हैं, फ्रीक्वेंसीज वही हैं, शब्द बदल जाते हैं। जैसे पहले मैं बोलूंगा सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, फिर मैं बोलूंगा नि सा रे ग म प ध नि नि ध प म ग रे सा नि, है ना। नि से आठ जाऊंगा लेकिन मैं गले से नि सा रे ग म प ध नि लगेंगे लेकिन मुंह से सा रे ग म प ध नि सा निकलेगा। थोड़ी मुश्किल चीज है, सुनिएगा। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। लेकिन शब्द क्या थे इसके, नि सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा नि, लेकिन मुंह से बोला सा रे ग म प ध नि सा, ये पहली काली का सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा। समझ रहे हैं आप कि गले से नि सा रे ग म प ध नि निकला है लेकिन मुंह से सा रे ग म प ध नि सा निकला है। तो ये मुश्किल चीज है, जब तक आपका सुर वाला नहीं होगा तब तक ये नहीं कर पाओगे। बट ये भी एक चीज़ है, इस पे गुरुजी ने, मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, करके बताया हुआ है, तो आप ज़रूर उस चीज़ का भी रियाज कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो उल्टे सप्तक का रियाज है जो मैंने आपको बताया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना। ये करेंगे आपको अच्छा लगेगा और कुछ मुश्किल चीज़ है, कुछ डेवलपमेंट होगा अंदर। और बाकी दो तीन चीज़ें ये हैं कि कंटेंट तो इतना ही था, ये टॉपिक इतना ही था, लेकिन बाकी चीज़ें ये हैं कि आप जैसे हमसे जुड़ सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और हमारे जो मेरे जो दादा गुरु हैं मेरे पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पिता गुरु हैं जो पंडित अवध किशोर पांडे, उनका यूट्यूब चैनल है मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो वहाँ आपको कुछ संगीत की ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको कहीं और ना मिले। तो उन दोनों चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें और वहाँ से भी सीखें और हमारे चैनल से भी सीखें। संगीत है, आपको जगह जगह से अलग अलग ज्ञान मिलेगा, लीजिए। और आपको पता होगा ना, जब आप थोड़ा बहुत सीख चुके तो आपको पता है कि ये कैसा है, ये सही है, गलत है, ये कितना चाहिए कितना नहीं, इसमें से लेना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही बस सीखते रहें संगीत प्रभाव से, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने विचार, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, अपने विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।